बेगूसराय जिले के तेगरा प्रखंड अंतर्गत भक्त योग पुस्तकालय पंचायत एक बरौनी में तीन सूत्री मांगों को लेकर वार्ड सचिव संघ बेगूसराय के द्वारा एक बैठक रखी गई, जिसमें तीन सूत्री मांग को लेकर सरकार से अपील करने की बातों पर जोर देते हुए पहली मांग सरकारी कर्मी का दर्जा, दूसरी सम्मानजनक मानदेय देने की और तीसरी वार्ड सचिव को अस्थायी करने की मांग को लेकर सुचारू रूप से मीटिंग को संपन्न करते हुए और अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए हाईकोर्ट को सहारा लेने का निर्णय लिया। बताते चलें कि अंतिम निर्णय वार्ड सचिव संघ बेगूसराय को हाईकोर्ट रीट फाइल करने का है। इस पर सभी 18 प्रखंडों के वार्ड सचिव संघ के अध्यक्ष एवं पूरे बेगूसराय जिले के वार्ड सचिव के सहयोग से पटना हाईकोर्ट रीट फाइल करने जा रहे हैं। शायद कोर्ट ही पूरे बिहार के वार्ड सचिव को न्याय दे सके। बीरे न्यूज बिहार के लिए छोड़ाहे से विनय कुमार विनायक की रिपोर्ट। पंचायत के वार्ड सचिव संघ बेगूसराय जिला के जिला उपाध्यक्ष दिनेश कुमार शर्मा है। आज की बैठक का मुख्य बिंदु था जो आज हम चार वर्षों से लगातार काम करते आ रहे हैं सात निश्चय योजना के अंतर्गत, जिसमें है जो 1,14,691 वार्ड सचिव काम कर रहे हैं। काम करने के बावजूद आज तक सरकार ने हमें 1 रुपये का मानदेय नहीं दिया। आज हम लोग अनेकों प्रकार के नेता हों, मंत्री संत्री सबके पास हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा, लेकिन उसका अभी तक कोई रिजल्ट निकल के नहीं आया। और सम्राट चौधरी का कहना है जो हम आप लोगों के 2 साल के लिए बहाल किए, 2 साल के लिए रखा गया, तो बताया जाए कि आज जो है 4 वर्षों से काम कर रहे हैं, इसके एवज में हमें तो कुछ मिला नहीं और अभी भी कर रहे हैं। जो भी उनका आदेश होता है उस आदेश को हम लोग पालन किए। और है क्या, जो अब ये सब स्थिति ऐसा बना हुआ है जिस स्थिति में हम लोग देख रहे हैं जो मेरा भविष्य अंधकार में होने वाला, यही सब विचार विमर्श करते हुए हम लोग पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर करना जा रहे हैं सरकार के लिए।